आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो चला है 4 बजे का और 4 बजे आज हम बात करेंगे उन सभी बड़ी खबरों की जो लगातार सुर्खियों में हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में हैं, जहां उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया, साथ ही राम मंदिर निर्माण को देखकर इंजीनियर्स की पीठ भी थपथपाई है। इसके साथ ही कुछ देर पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की है और अयोध्या में सीएम योगी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए गर्म भोजन योजना की शुरुआत की है। बता दें, उन्होंने खुद बच्चों को खाना खिलाया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रामलला 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इससे पहले प्रदेश में 3 से 6 साल के बच्चों को मिड डे मील की तर्ज पर गर्म बना हुआ भोजन परोसने के कार्य का शुभारंभ अयोध्या से होना अत्यंत ही शुभ काम है। वह सुपोषित और स्वस्थ बच्चे ही सशक्त भारत का आधार बनेंगे। आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन स्थित कंपोजिट विद्यालय में हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 403 करोड़ की लागत से 35 जनपदों में 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया है। साथ ही अयोध्या रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का भी लोकार्पण किया। साथ ही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए शुरू की गई गर्म भोजन योजना को 2016 में तत्कालीन सपा सरकार ने बंद करा दिया था। इसे योगी सरकार फिर से शुरू कर चुकी है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को गर्म भोजन परोसा जाएगा। तो 1 महीने में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचे तो वो राम मंदिर निर्माण भी करीब से देखने पहुंचे, जहां उन्होंने आज इंजीनियर्स की पीठ थपथपाई। साथ ही ये भी कहा कि अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। अपने अंतिम चरण में राम मंदिर के निर्माण का कार्य पहुंच चुका है और अब ये 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख, ये साल और वो महीना होगा जब रामलला एक दशकों के या यूं कहे वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। आज ये तमाम बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कही हैं। रितेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, 1 महीने में तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ ये अयोध्या के दौरे पर पहुंचे हैं, ये दौरा कितना अहम माना जाए रितेश, सियासी अगर हम दृष्टिकोण से इस पर गौर करें तो? देखिए मुस्कान, इसमें दो पहलू हैं। अगर सियासी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो दौरा अयोध्या का है, वो इस महीने में अगर बात की जाए तो तीसरी बार उनका दौरा हुआ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि दीपोत्सव का कार्यक्रम था दीपावली के अवसर पर, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और वहां पर कई मंत्रियों के साथ मिलकर और लोग साथ मिलकर दीपोत्सव का दीपदानी कार्यक्रम हुआ था, उसमें सम्मिलित हुए। उसके बाद जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वहां पर जो भगवान रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसको लेकर के भी वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में वहां के जो कारीगर थे, जो काम करने वाले कामगार थे, उनकी उन्होंने पीठ भी थपथपाई है। जिस तरीके से कार्य के लिए जो समय दिया गया था, उस समय पर ये कार्य भी पूरा किया गया वहां पर अयोध्या में, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री काफी खुश नजर आए, जिसको लेकर के वो तीसरी बार अयोध्या में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये सियासी दांव पेच से भी अगर देखा जाए तो 2024 लोकसभा का जो चुनाव है उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है और जो प्रदेश में है, उनके द्वारा लगातार जनता को सुविधाएं दी जा रही है और कुछ ऐसी योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है जिससे कि वे वोट बैंक को सारा जा सके। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे पर है और अयोध्या में आज वो पहुंच करके वहां पर हनुमानगढ़ी में दर्शन भी किए। बिल्कुल रितेश, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे, एक बड़ा सियासी संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विपक्षी दल भी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर निर्माण के जरिए बीजेपी लगातार हिंदू कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये वाकई एक हिंदुत्व कार्ड है जो बीजेपी लगातार खेल रही है? क्योंकि देखिए बीते दिनों भी जब नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचे तो भी लगातार यही आरोप लगाए गए कि अब राम मंदिर के बाद भारतीय जनता पार्टी श्री कृष्ण जन्म स्थान को भी अपने एजेंडे में शामिल करेगी।
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक हिंदुत्व का एक प्रतिनिधित्व करती है, और अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो वो उनको भी इसी चेहरे से ही पहचाना जाता है, और अगर बात की जाए रामलला की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की तो वो जगह भी रामलला की ही थी जिसको कोर्ट ने भी माना, और इस पर इस तरीके का जो है आदेश पारित हुआ। उसके बाद ही जाकर के कई अर्थों के बाद वहां पर जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में जरूर। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साफ तौर पर कहते हैं कि धर्म एक ही है वो सनातन, तो सनातन के धर्म होने की वजह से वहां पर जिस तरीके से जो हिंदू देवी देवताओं का जो जगह है उन जगह पर वो चीजें स्थापित होनी चाहिए। जैसे इसका जीता जाता जो उदाहरण है वो राम मंदिर है, क्योंकि काफी अर्थों से ये राजनीतिक मतभेदों से राजनीतिक गतिविधियों की वजह से मामला लटका हुआ था, जिस पर ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई थी। बिल्कुल नीतीश, देखिए राम मंदिर को लेके बीजेपी लगातार हर एक मंच पर मुखर होकर बोलती है कि राम मंदिर का अगर निर्माण हुआ है तो उनके शासनकाल में हुआ है, यानी कि जो राम मंदिर निर्माण है इसे बीजेपी अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर लगातार देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्षी दलों के तमाम नेता सनातन को लेकर एक बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इसका खामियाजा जो भुगतेगी विपक्षी दल, इसका फायदा बीजेपी को होगा क्या? रितेश जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का तो सामने हमला बोल रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से अपना गठबंधन करके उसने एक अपने एक पार्टी को खड़ा किया है, क्योंकि जो अब की बार इनका भारतीय जनता पार्टी के यानी एनडीए के साथ में जो इनकी लड़ाई होगी सीधे, वो कहीं ना कहीं कांटे की लड़ाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में भी मतभेद पैदा हुए, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, उनकी पार्टी में उनके साथ एमपी के चुनाव में भी कई मतभेद पैदा हुए, तो ऐसे में कांग्रेस को कितना झटका लगने वाला ये तो मतदाता तय करेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कोई चोर कसर अभी तक नहीं छोड़ी है, उसने पूरा एक अपनी जो धरातल पर जो चीजें हैं उनको उभार कर रखा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास पर जोर दे रहे हैं, और ये चाहते हैं कि रितेश देखिए एक बात और यहाँ गौर करने वाली होती है कि यूपी के लिए बीजेपी ने मिशन 80 का जो लक्ष्य निर्धारित किया है और राम मंदिर अगले साल तक जनता को सौंप दिया जाएगा, तो क्या मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने में राम मंदिर निर्माण एक अहम भूमिका निभा सकता है बीजेपी के लिए? देखिए ये भी समझने वाली बात होगी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, अगर 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और 2024 में अगर भारत का प्रतिनिधित्व फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो वो सीटें 80 इनको जीतनी होंगी उत्तर प्रदेश में, यानी दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। और जिस तरीके से जनवरी 22 को यानी 2024 में जनवरी 22 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं एक संकेत है कि 2024 में जब ये चुनाव होगा उसके पहले ही राम मंदिर का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होना, उसके बाद अब मथुरा में भी वहां का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां का भी रास्ता उन्होंने साफ कह दिया है, तो ऐसे में दोनों सौगातें मिलने वाली है, तो इससे कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की जो भावना थी जितनी हिंदुत्व उठे वो जरूर वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा था। अभी धन्यवाद रितेश उस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी सरकार ने लंबे अरसे से बंद पड़े सिनेमा हॉल के संचालकों को बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की अब अनुमति दे दी है। इसके लिए सिनेमा हॉल के मालिकों को मनोरंजन कर से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। वही यूपी आवास विभाग के विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने राज्य कर विभाग की सहमति के बाद शासनादेश जारी कर दिया है। यूपी में लगभग 800 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर शहर के पुराने इलाके में बने हुए हैं, जिन्हें बंद होने के बावजूद भी इसकी जमीन का उपयोग करके दूसरा व्यवसाय करने से वंचित रखा गया है, जिसके कारण सिनेमा हॉल के मालिकों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वही अब प्रदेश सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने ऐसे सभी सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो बंद हो चुके थे उनकी जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बहुमंजिला भवन बनाने की अनुमति दे दी है। तो देखिए यूपी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, राज्य कर विभाग से अनुमति लेने के बाद अब बंद सिनेमाघरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, यानी कि जो बंद सिनेमाघर अब तक हो चुके हैं उनकी जमीन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, और इसके लिए राज्य कर विभाग से अनुमति लेनी होगी, और इसका सीधा सीधा फायदा हर एक वर्ग को भी मिल सकता है। लगातार
सरकार को राजस्व का भी भारी खामियाजा उठाना पड़ रहा था, जिससे उभरने के लिए ये एक बड़ा एक्शन जो है वो यूपी में देखने को मिलेगा, जहां यूपी में बंद सभी सिनेमाघरों पर अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। रितेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, एक बड़ा आदेश दिया गया है जहां यूपी में बंद सिनेमाघरों में अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, इससे किस तरीके से राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? देखिए भुगतान, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मनोरंजन की बात की जाए तो जो सिंगल विंडो एक सिनेमा घर जो थे, जो सिंगल पर्दे पे हुआ करते, तो वो करीब 800 की तादाद में है। अगर बात की जाए जिसमें से करीब 150 से ज्यादा सिनेमा घर बंद होने की कगार पर हैं, तो ऐसे में वो और बहुत सारे ऐसे सिनेमा घर है जो बंद पड़े हुए हैं, वो उनका जो लैंड है उस लैंड का वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ये भी निर्देशित कर दिया और आदेश भी कर दिया है कि उस जगह पर वो मल्टी लेवल शॉपिंग मॉल भी बना सकते हैं, तो ऐसे में उनको मनोरंजन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद में वो वहां पर मल्टी लेवल शॉपिंग मॉल बना सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो सुविधाएं उन लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि जब किसी जगह पर बंद पड़ी जगह पर उसका लैंड यूज चेंज होगा और लैंड यूज चेंज होने के बाद अगर वहां पर रोजगार मिलता है तो कहीं ना जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये लाभ, ये सुविधा जनता को भी मिलने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी ऐसी चीजों को, चुनिंदा चीजों को उठा करके जनता के बीच में रख रही है, जिससे वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपना समन्वय स्थापित कर पाए। देखिए सिनेमा घर मालिकों को तो ये बड़ी राहत आज इस फैसले के बाद मिली ही होगी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अब इस जमीन पर कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा सकते हैं, और क्या कुछ निर्माण इस जमीन पर करने की अनुमति दी गई है शासन की तरफ से? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बाकी में लखनऊ का एक उदाहरण लिया जाए तो लखनऊ में एक सिनेमा हॉल है, मिसाल के लिए बना हुआ था उमराव टाकी, पहले वहां पर एक सिंगल विंडो स्क्रीन था, वहां पर एक सिंगल विंडो पर वहां पर सिनेमा घर चल रहा था, काफी दिनों से बंद पड़ा था, उसका लैंड यूज चेंज हुआ, अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया, उसके बाद आज वहां पर एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है। इसी तरह से जो सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं उनका लैंड यूज चेंज किया जाएगा, और लैंड यूज चेंज करने के बाद अगर वहां पर शॉपिंग मॉल बनता है या मल्टी लेवल कोई पार्किंग बनती है, तो ऐसे में वो सुविधा जनता को सीधे तौर पर मिलने वाली है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्देशित भी कर दिया है, तो ऐसे में जो ये निर्देश हुआ है तो अब कहीं ना कहीं जो बंद पड़े धूल फांकड़े सिनेमा घर है उनका जीर्णोद्धार होगा और उस जगह पर फिर से वो चीजें आएंगी, वो निखर करके वो बाजार हो सकता है विकसित, वहां पर वो शॉपिंग मॉल बन सकता है वहां पर, क्योंकि वो जगह का इस्तेमाल अभी तक सिनेमा घर के मालिक नहीं कर पा रहे थे जो काफी अच्छे से वहां पर अपना एक बिजनेस खोलकर बैठे हुए। बिल्कुल, देखिए रितेश, लाजमी है कि देखिए जहां एक तरफ सिनेमा घर मालिकों को तो राहत दी गई है, इसके साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा, इसको कब से अप्लाई किया जा सकता है और क्या कोई एक तारीख भी तय की गई है क्या? देखिए ये सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है, अब जिन जिन सिनेमा घर के मालिकों को अपने लैंड यूज को चेंज कराना है, वहां पर उन्हें किसी तरह का शॉपिंग मॉल बनाना है, जिनको इन प्रक्रिया से गुजरना है वो इसका आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि प्रमुख सचिव की तरफ से भी, प्रमुख सचिव आवास की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में अब उस सिनेमा घर के मालिकों के लिए जिनकी 1000 स्क्वायर फीट की जमीनें धूल फांक रही थी वो कहीं ना कहीं शहर के बीच में, क्योंकि अगर अभी लखनऊ की बात की जाए भुगतान, तो कई ऐसे सिनेमाघर है जो शहर के बीचों बीच में है, अमीनाबाद की बात करें तो अमीनाबाद में भी कई ऐसे सिनेमाघर पड़े हुए हैं जो धूल फांक रहे, जिनका लैंड यूज चेंज होने ना होने की वजह से वो अभी तक उसी प्रणाली में पड़े हुए हैं। तो ऐसे में जरूर कहीं ना कहीं वो सुविधाएं मिलने वाली है, क्योंकि निर्माण कार्य होगा तो मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा, अगर बंद करके कोई शॉपिंग मॉल तैयार होता है तो वहां पर दुकानें खुलेंगी, दुकानें खुलेंगी तो वहां पर रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो जो सीधी जनता है वो जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त मिजाज और कड़क तेवर रखने वाले प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने एक बार फिर से कड़े तेवर दिखाए हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने प्रदेश के सभी डीएमएसपी और पुलिस कमिश्नर को टॉप 10 अपराधियों को दोष सिद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने लेटर में लिखा कि बीते 2 वर्षों से टॉप 10 अपराधियों को लेकर जो समीक्षा बैठक की गई है, ऐसे में अभियोजन की कार्रवाई में लापरवाहियां भी बड़े स्तर पर मिली है। अपर मुख्य सचिव गृह ने प्रदेश के 46 जिलों में स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर नाराजगी जताई है, वही तत्काल स्थितियां सुधारे जाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं।
प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने निर्देश देते हुए सभी डीएम एसपी और पुलिस कमिश्नर को टॉप 10 अपराधियों को दोष सिद्ध करने के आदेश दिए हैं। बीते दो वर्षों पहले शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन हो, अदालतों में कड़ी पैरवी पुलिस करे। प्रदेश के सभी 46 जिलों में स्थिति संतोषजनक नहीं, ये सभी दोष सिद्धि अभियान में रुचि नहीं ली जा रही है। ऐसे जिले में तत्काल सुधार अपेक्षित है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, ये एक बड़ा आदेश दिया गया है और इस आदेश में डीएमएसपी पुलिस कमिश्नर को कड़े निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि जो बड़े अपराधी हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने में हीला हवाली बरती गई है, ऐसे टॉप 10 अपराधियों को दोष सिद्ध कराया जाए। क्या गाइडलाइन दी गई है सभी जिले के डीएमएसपीओ को? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से यूपी में अपराध का गढ़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी चीज को लेकर के एक बार फिर से सख्त तेवर दिखाए गए। क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी एक बार सख्त आदेश दिए गए थे, जिसमें लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही थी। कई इंकाउंटर दिखाए गए थे जो जेल में बंद है उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के बात की जाए, कोर्ट में पैरवी को लेकर के बात की जाए, कोर्ट में लगातार पैरवी हो रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से जब हीला हवाली शुरू हुई, हीला हवाली के बाद लगातार अपराध जो है फिर से एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर चाहे महिलाओं के प्रति अपराध की बात की जाए या फिर लूटपाट की बात की जाए या फिर जिस जो अन्य घटनाएं उसकी बात की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है तो उसको लेकर के एक बार फिर से सख्त तेवर दिखाया गया। और उस सख्त तेवर में साफ तौर से डीएम एसपी और जो लगातार जो और अधिकारी हैं उनको भी साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि जो बदमाश हैं उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि यह जो अपराध है उस पर कमी आ सके। और इसकी बात अगर की जाए जिस तरीके से टॉप 10 अपराधियों की, तो टॉप 10 अपराधियों को साफ तौर से हिदायत देने की बात कही गई, जिससे कि ये हो कि जो उनके बदमाश के जो गिरोह के लोग हैं वो लोग लगातार शिकंजे में रहे। क्योंकि जेल से बैठ करके जिस तरह से नेटवर्क पूरा चलाया जाता है, बदमाशों को लगातार वहां से इनपुट मिलता है, उसके बाद घटनाएं करते हैं और फिर वो लोग विलुप्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन देखिए कलीम, सीएमयू की आदित्यनाथ लगातार यूपी की कानून व्यवस्था पर काम करते हुए नजर आते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो तमाम जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 46 जिले ऐसे पाए गए जिनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। इतनी बड़ी हीला हवाली जो की जा रही है लगातार अधिकारियों के द्वारा जिला स्तर पर, इतनी लापरवाहियां क्यों? लापरवाहियों के पीछे की वजह क्या मानी जाए कलीम? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार शिकायतें पहुंचती हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले की अगर बात की जाए, फिर चाहे गोंडा की बात की जाए, बस्ती की बात की जाए, कई ऐसे जिले थे जो राजधानी लखनऊ पहुंचे थे सीएम आवास के पास आत्मदाह करने, और फिर कानपुर की बात की जाए, कानपुर से भी अभी एक दंपति पहुंचा था, वो भी आत्मदाह करने के लिए पहुंचा था। लेकिन जिस तरीके से जो शिकायतें आई थी, हमीरपुर की जो शिकायत आई थी, इन सभी मामलों को लेकर के सख्त हिदायत भी दी गई थी। और इसके बाद जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक जो बैठक चली थी, उस बैठक में इंस्पेक्टर समेत जो डीजीपी है वहां तक के जो लोग थे वो शामिल किए गए थे, सभी से उनकी राय मांगी गई थी और उनको हिदायत भी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो हीला हवाली की बात की जाए, वो हीला हवाली साफ तौर से देखने को मिलती है, क्योंकि जब थाने पे कोई फरियादी शिकायत लेकर पहुंचता है तो लगातार उसके साथ हीला हवाली की जाती है या फिर उसको गुमराह किया जाता है, और गुमराह करने के कारण उसका मुकदमा नहीं दर्ज होता, जिसके बाद आईजीआरएस में शिकायत की जाती है। जो आईजीआरएस की शिकायतें पहुंचती हैं वो सीएम पोर्टल पर भी लगातार जाती है, वो भी वहां पर जिस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा होता है, उसके बाद जो सीएम पोर्टल के बाद जो सीएम ऑफिस से फोन जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई देखने को मिलती है। तो इन सभी तरीकों की अगर बात की जाए तो लगातार बदमाश जो है वो बेखौफ नजर आते हैं और घटनाएं लगातार देखने को मिलती है। देखिए आपने कहीं ना कहीं अधिकारियों की हीला हवाली तो देखने को मिल ही रही है, यही वजह है कि 46 जिलों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई है। देखिए अब टॉप 10 अपराधियों को दोष सिद्ध कराए जाने के तो निर्देश दिए गए हैं, लेकिन क्या इस दौरान अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिन अधिकारियों द्वारा एक बड़े स्तर पर लापरवाही की गई है, हीला हवाली की गई है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो जेल में बंद अपराधी है उनके खिलाफ जो दोष करार देने की बात की जाए, दोषी एक करार देने की जो बात की जाए, उसमें पैरवी की जो बात की जा रही है, उसको लेकर के कई तरह के जो अभियान भी चलाए जा रहे हैं। क्योंकि यूपी के जो पुलिस मुखिया है डीजीपी, उनके द्वारा जो अभियान चलाने की बात की गई थी, ऑपरेशन कन्वेंशन, यानी कि उसमें जो ऐसे टॉप 10 अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार पैरवी की जानी, चार्जशीट जो है समय से दाखिल की जाना, और उस चार्जशीट पर लगातार निगाह बनाए रखना, और उसमें लगातार जो पैरवी की बात की जाए वो पैरवी करते हुए उनको सजा दिलाना। तो इस तरीके के कई अभियान भी चल रहे हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी कई ऐसे अपराधियों को सजा दिलाई गई, फिर चाहे फांसी की सजा हो या फिर आजीवन कारावास की सजा हो, ऐसे कई अभियान चलाए गए। लेकिन अब जो सख्त तेवर दिखाए गए, जो बदमाश लगातार जो पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही उन घटनाओं को लेकर के एक बार फिर से जो सख्त रुख अपनाया गया। क्योंकि इससे पहले की अगर तस्वीरों की बात करें, जो सीएम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है पूरी तरीके से जो आदेश दिए गए थे सख्त रूप अपनाया गया था, उसके बाद कई इंकाउंटर भी देखने को मिले थे, मुठभेड़े लगातार देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब एक बार फिर से सख्त तेवर अपनाए गए हैं तो एक बार फिर से अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलने को देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीतलहरी निराश्रित और असहाय और कमजोर लोगों को ठंड से बचाव के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर योगी सरकार इस बार भी काफी गंभीर है। शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निराश्रित असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वही आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सरकार ने शीतलहरी के दौरान निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े और साथ ही साथ चिकित्सा सुविधा के लिए राहत विभाग को 120 करोड़ की धनराशि आवंटित की है। इसके सापेक्ष विभाग ने भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी डीएम को शीतलहरी से निपटने के लिए पहली किश्त करीब 20 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ठंड की शुरुआत के साथ ही शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वही अन्य राहत सामग्री के लिए 1 करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई है। ऐसे में विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल 19 करोड़ 30 लाख 50 हजार रुपए की पहली किस्त जारी की है। इसमें सबसे अधिक धनराशि 38 लाख 50 हजार गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए जारी की गई है। साथ ही सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए अब ठंड आ चुकी है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है सक्रिय हो चुकी है, दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। ठंड से लोगों को बचाने के लिए क्या दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को जारी किए गए हैं? जी देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि शीतलहर आते ही तमाम तरीके से लोग जो है वो उनके ठंड से बचने के लिए इंतजाम किए जाते हैं, चाहे वो नगर निगम हो चाहे और भी विभाग हो, उनको जो है जो गरीब है, जो बेसहारा है, उनको जो रोड पर रहते हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, तमाम तरीके के रैन बसेरे बसाए जाते हैं। रैन बसेरों में लोगों को रखा जाता है। उसी के लिए ठंड आते ही तमाम तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी धनराशि जो है वो देने का ऐलान करा है। और जो पहले ही से ही जो तमाम जो डीएम है, जो नगर आयुक्त है और तमाम जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनको साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि इस बार ठंड के प्रकोप से किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, किसी भी तरह के लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो है काफी निर्देश दिए हैं। जी देखिए ओवैस, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं, साथ ही गरीबों को कंबल देने की भी तैयारी कर रही है योगी सरकार, जिसके लिए पहली किश्त का पैसा हर एक जिले के लिए जारी किया गया है। और कितने किश्तों में सभी जिले के अधिकारी और डीएम को पैसा दिया जाएगा ताकि लोगों को शीतलहर से बचाया जा सके? जी देखिए पहली किश्त का जो पैसा जारी हुआ है वो ये करीब लगभग 30 से 36 लाख के आसपास का ये पैसा है जो पहली किस्त में जारी किया गया है। इसी तरीके से ठंड को देखते हुए किस्त वाइज जो है वो पैसा जारी किया जाएगा, जिससे ठंड में लोगों के जो परेशानियां हैं उनको सामना न करना पड़े। तमाम तरीके के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो गुरबा हैं, जो लोग बेचारे सड़कों पर जिनकी ठंड की वजह से जिनकी मौत हो जाती थी, और यही नहीं, इसके अलावा जो उनको चिकित्सा है, चिकित्सा देने की भी बात सामने निकल कर आ रही है, जो उनको जो तमाम जो लोगों को ठंड से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको लेकर अस्पतालों को भी साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल बिल्कुल देखिए ओवैस, यानी कि हर एक विभाग को अलर्ट कर दिया गया है ताकि ठंड से हर एक स्तर पर निपटा जा सके। ऐसे में लगातार ओवैस हम जिक्र कर रहे हैं कि पहले किस्त का पैसा सभी जिलों के अधिकारियों के लिए जारी कर दिया गया है, लेकिन हर बार पैसे जारी होते हैं और उसके साथ ही बंदरबाट की भी खबरें सामने आती है कि अधिकारी पैसे गबन कर गए। ऐसे में बंदरबाट और जो रुपयों का गबन है इसे रोकने के लिए भी तो कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया होगा, वो एक्शन प्लान क्या है रितेश? सॉरी माफी चाहूंगी ओवैस। जी 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 मुस्कान, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि तमाम तरीके के जो गबन, जो गबन वाली आपने बात कही है, दरअसल होता क्या है कि जो जो अधिकारी होते हैं वो
और जो कर्मचारी होते हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ मामले सामने निकल कर आते हैं। अगर इस बार तो ये है, साफ तौर पे निर्देश कर दिया गया है कि अगर जो भी लोग हैं, जो भी बेसहारा हैं, जिस चीज के लिए ये पैसा आवंटित किया गया है, जिस चीज के लिए पैसा जारी किया गया है, अगर ये पैसा लोगों तक नहीं पहुंचा और इस पे लोगों को राहत नहीं मिली मुस्कान, तो इसमें मुख्यमंत्री ने और जो तमाम सचिव हैं उन लोगों ने साफ तौर पे ये निर्देश दे दिए हैं। ये भी बात सामने निकल कर कह दिया है कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। रही बात गबन की, तो मैं मुस्कान आपको बता दूं कि जो इस बार अगर कोई किस तरीके का कोई गबन पाया गया और कोई भी इसके अंदर लिप्त पाया गया तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि ये पैसा और जो ये जो गरीबों के लिए ये पैसा जो दिया गया है, ये इस बार जो है ठंड में जो लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि दरअसल आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो गरीब गुरबा होते हैं, जो रोड के किनारे रहते हैं, जिनके पास संबल नहीं होता, रहने को मकान नहीं होता है, और उनको तमाम तरीके के ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए ये सरकार ने ये जो है ये जारी किए हैं निर्देश, और ये तमाम चीजें जो पैसा है ये आवंटित जारी किया। अब अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ी पाई जाती है मुस्कान, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें तमाम तरीके की इसके ऊपर जो है कार्रवाइयां देखने को बिल्कुल मिलेंगी। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अवैस तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।